हर दिन सुबह 7 बजे मैं अपना फार्म विज़िट करता हूँ और रोज़ की तरह ये दिन भी मैं गया अपने फार्म पे और सुबह मेरे को ये देखने को मिला। अब ये क्यों हुआ देख सकते हैं कितना साइज हो गया था मछलियों का, वो इस वीडियो में बताऊँगा आपके साथ ऐसा ना हो जाए, ठीक है। उसी के बारे में ये वीडियो है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बायोफ्लॉक करते टाइम वो आपको बताऊँगा। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये मेरा एरिएशन मशीन है और एक टी लगा हुआ है जहाँ से इस टैंक में कनेक्शन गया है और दूसरे टैंक में ये कनेक्शन गया था। तो मेरा प्रॉब्लम ये हुआ, ये जो मैंने यहाँ पे जो ग्लू का यूज़ किया था इसको चिपकाने के लिए, वो जो ग्लू है वो लूज़ हो गया क्योंकि इसका जो हवा यहाँ से आ रहा है मशीन के काफ़ी पास है तो इसके वजह से ये बहुत गर्म आ रहा है। मेरा पहले सिलेंडर लगा हुआ था लेकिन मेरा बड़ा सेटअप बन रहा है इसीलिए मैंने वो सिलेंडर हटा के अभी इसको कैजुअली ऐसे चिपका दिया था, ठीक है। सो ये कैजुअली कुछ भी नहीं करना है आपको, जैसे मैंने मेरा यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये खुला हुआ था तो टोटली जो है एरिएशन जाना बंद हो गया। हर रात को मैं 1 से 1.5 बजे सोता हूँ तो उसी टाइम मैं अपने फार्म को एक बार विज़िट करता हूँ फिर जाता हूँ। उस दिन भी मैंने किया था तो 1.5 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक था और सुबह मैं जब 7 बजे गया तो ऐसा हो गया। तो 1.5 बजे से 7 बजे के बीच में ही मोनोसेक्स तेलापिया मेरा फार्मिंग किया हुआ था टोटल के टोटल और लगभग 90 kg जो है मछलियाँ यहाँ पे था। आप लोगों को पता है मैंने कुछ दिन पहले अपडेट दिया था कि इस टैंक में जिस टैंक का मछलियाँ मरी है उसमें मैंने ग्रेडिंग करके, ठीक है, सिर्फ बड़ी बड़ी साइज़ जो 80 ग्राम 90 ग्राम की थी उसको मैंने डाला था क्योंकि 1 महीने बाद मैं इसका हार्वेस्टिंग करने वाला था। अब ये हादसा हो गया तो यहाँ पर हार्वेस्टिंग करना तो पॉसिबल नहीं है। अब जो मछलियाँ था उनको मैंने जो शिफ्ट किया है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो इस तरीके का नॉब आता है मशीन के साथ डायाफ्राम पंप के साथ, इसके साथ इसको कनेक्ट कर देता है। अब ये मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं सिलेंडर के साथ ही प्रॉपर करूँगा। ये मैं आप लोगों को जस्ट दिखा रहा हूँ, एक दिन के लिए मैंने इसको लगाया था तो दिन में लगभग 5 से 6 बार ये जो पाइप्स मैंने कनेक्ट किए सिलिकॉन के ये खुल जाता है बार बार, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से मतलब बच्चों का काम नहीं करना है, ऐसा करोगे तो भाई बायोफ्लॉक जो है वो फ्लॉप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गलती आपकी एक गलती से टोटल प्रॉफिट कल्चर का प्लस जो टाइम आप दे रहे हो जो मेहनत कर रहे हो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी करो इस तरीके से करो, आपको मशीन से ऐसे पाइप लाने हैं और हमेशा 2 मशीन यूज़ करना है, एक 12 घंटा चलेगा दूसरे वाला 12 घंटा, फिर इस तरीके से बल्ब लगा के टोटल इस तरीके से सिलेंडर वगैरह बना के कनेक्शन करना है। मेरा जो रिंग ब्लोअर आया है, ठीक है, आप लोगों को मैंने दिखाई ऑलरेडी, सो उसी के ऊपर मैं एक बनाऊँगा वीडियो एंड वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे एरिएशन का प्रॉपर सेटअप करना है ताकि आपको कुछ इस तरीके का मुसीबत का सामना करना ना पड़े। अब मेरे टैंक में आप लोगों को पता है 5000 के आसपास मछलियाँ थी, उसमें से मैंने ग्रेडिंग करके 2000 मछलियों को अलग रखा था, जो ये साइज देख सकते हो 100 ग्राम प्लस है ऑलमोस्ट सभी मछली, ठीक है। सो लगभग 90 kg है और ज़्यादातर मछलियाँ जो है वो मर चुकी हैं, कुछ कुछ 30-40 ग्राम की भी है, ठीक है। 2000 मछलियाँ टोटल जो भी मैंने ग्रेडिंग किया था, अब साइज देख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। सो ये साइज आ गया था, बहुत ही तगड़ा ग्रोथ हो रहा था इनका, अब ख़त्म हो गया, क्या कर सकते हैं। बाकी जो मछलियाँ था वो छोटे वाले मछलियाँ जिस टैंक में था वहाँ से मैंने फिर से ग्रेडिंग किया है और इस टैंक में फिर से डाला है, ठीक है। इसका अपडेट भी आप लोगों को मैं देता रहूँगा टाइम टू टाइम। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, रेड का कलर का जो बटन है उसको उस पर आप क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद जो है आपको बेल आइकन दिखेगा उसमें भी क्लिक कर देना ताकि आपको फ्यूचर में मेरी जो भी वीडियोस आएगी वो मिल जाए, ठीक है। सो बस इतना ही बोलूँगा यार, मूड बहुत ख़राब है, ठीक है, गलती नहीं करनी है यार बायोफ्लॉक करते टाइम, ठीक है। सभी चीज़ें परफेक्टली करनी है और परफेक्ट कैसे करना है वो मैं आप लोगों को सिखाऊँगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए, पता नहीं यार अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। कुछ इस तरीके से मतलब बच्चों का खेल मत करना, जो भी करना प्रॉपर करना। मिलते हैं नए वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।